ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते
मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं। आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्रयास करें सीधा स्थिर आसन। भारतीय सनातन संस्कृति जो है परंपराओं की संस्कृति है, जो परंपराओं की दिव्यता हमारे भारत के साथ अपने प्यारे देश के साथ जुड़ी हुई है। और ये परंपराएं ऐसी हैं जो पूरे भूमंडल पर केवल अपनी मातृभूमि का दौरा है। अब विश्व में कहीं भी चले जाए, अवकाश परंपरा केवल भारत में है और कहीं विश्व में आप कहीं नहीं पाओगे कि स्वयं परमात्मा अवतार लेकर आते हैं। कहीं भगवान के दूत आते हैं, कहीं भगवान के पुत्र आते हैं, लेकिन स्वयं भगवान जब भी अवतार लेकर आते हैं वो केवल अपनी मातृभूमि में आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य गुलामी भवतुभाय अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सचाति। अपनी आश्वासन को चरितार्थ करने के लिए तीर्थ परंपरा केवल अपने देश का गौरव है और कहीं है और कहीं है। दिल बहलाने के लिए भले ही कोई थीम्स को ब्रिटेन की गंगा कहता रहे, लेकिन जो दिव्यता गंगा जी की भारत में है वो केवल भारत में है, कहीं और इसीलिए भारत से बाहर जब कोई बहुत अधिक गुणगान करने लगता है अपने देश का, अपने देश की स्वच्छता का या कानून व्यवस्थाओं का, जब बहुत अधिक गुणगान करने लगता है तो हम उनको एक ही बात कहते हैं कि गंगा हमारी है, हमारे धरा पर है, तुम्हारे यहाँ नहीं हो सकते। यमुना की पावन धारा हमारा गौरव है,
वृंदावन और अवधाम ये हमारे देश का गौरव है, हमारे यहाँ नहीं हो सकते। चार धाम हमारे राष्ट्र का गौरव है, ये तुम्हारे यहाँ नहीं हो सकती। तो अपने देश में जो गौरव है, जो परंपराएं हैं, वास्तव में हमारा गौरव है। ऋषि परंपरा हमारा गौरव है, जैसे अवतार परंपरा, त्योहार परंपरा, ऋषि परंपरा, ये हमारा गौरव है। और हमें इस बात का गौरव मान के भी चलना चाहिए कि हम किसी ऐरा गैरा के संतान नहीं, हम ऋषियों के संतान। भगवत गीता में 10वें अध्याय का 26 श्लोक है, भगवान कहते हैं महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो वनवस्तथा मद भावा मानसा जाता ये शाम लोक की मां का जाता। भगवान कहते हैं अर्जुन, सृष्टि के बनने के प्रारंभ में मेरे संकल्प से पहले 7 ऋषि मैंने प्रकट किए, मनु प्रकट हुए, जिनकी संतान आगे मानव कहता है। इसका सीधा अभिप्राय है कि ऋषियों की परंपरा हमारे साथ जुड़ी हुई है। और ऐसी ग्रंथ परंपरा कोई सोच सकता है और संतोष कर सकता है इस बात से कि ग्रंथ तो हमारे यहां भी नहीं है, हर विचारधारा में नहीं है ग्रंथ, लेकिन सर्वम खलविदम ब्रह्म की बात करने वाला ग्रंथ वेद हमारे यहां है। पूरे विश्व को सद्भावना के एक सूत्र में पिरोकर एक माला का रूप देने की क्षमता हमारे देश की ग्रंथ परंपरा में विश्व कहते हैं। कोई भी खुले रूप में पढ़ के देख सकता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमने कहा, हमारे विश्व ने कहा, विश्व में कहीं सबने विश्व में अपनी जाति का भला चाहा, अपने मजहब अपने वर्ग का विस्तार चाहा, और वो भले ही आतंक फैलाकर हो, भले ही धर्मांतरण करके हो, सबने अपना हित चाहा, लेकिन हमारे विश्व ने अपना हित नहीं चाहा। हमारे विश्व में वैश्विक मानवता का उद्घोष किया, और इसी अपने यहां कुछ भी आप पाएंगे, कहीं भी ऐसा नहीं आप पाएंगे कि किसी ने केवल परमात्मा से अपने भले की प्रार्थना की। हमने जब भी प्रार्थनाएं की, सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थनाएं, सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण, और तो गायत्री मंत्र उच्चारण करते करते भी हमने केवल हमारे अपनी मिली बुद्धि प्रकाशित हो, विवेकी बने, अच्छी बने, ये नहीं कहा। हमारे ऋषि ने कहा धियो यना प्रचोदया, ये परमात्मन हमारी बुद्धियों को प्रकाशित कर दो। केवल अपना ही ये भारत है, ये भारत की परंपरा है, हर परंपरा हमारे के अवतार परंपरा, अवतार परंपरा के साथ त्योहार परंपरा। त्योहार में आप देखेंगे विस्तार करने लगे तो घंटों नहीं दिनों हो, इसी बात पर चिंतन चर्चा चलती रह सकती है कि अपनी परंपराओं का गौरव क्या है अपने देश। हाँ, इतनी सी तो उनसे प्रार्थना करते हुए कि प्रभु कृपा करें कि हमारे देश का वो गौरव फिर से एक बार पूरे विश्व में आने की लुप्त सी कहोगे। एक ऐसा कालखंड आया जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि पार्थ मैंने ये उपदेश सबसे पहले सूर्य को दिया, इमं विवस्वते ज्ञानं प्रोक्त्वा, सूर्य से मनु को, मनु से इक्ष्वाकु को, और इक्ष्वाकु से फिर अपनी राज परंपरा में उतराइए उपदेश। इक्ष्वाकु के बाद राजाओं की परंपरा तक पहुंचा उपदेश, लेकिन फिर कि बीच में एक काल खंड ऐसा आया कि योग का ये उपदेश कुछ लुप्त सा होते रह गया। साकाले नहीं मिलता योगो नष्टा परमता पर, कुछ समय बीच में ऐसा आया
ये योग का संदेश कोई लुप्त सा होने लगा बीच में, लेकिन अब मैं वही योग फिर तेरे लिए कहने जा रहा हूं एवं परम प्राप्तम एवं राजेश्यो विदु। मैं कोई नई बात अर्जुन तुझे नहीं कह रहा, परंपरा से प्राप्त जो योग की दिव्यता है मैं वो फिर तेरे से कह रहा हूं। विश्व में पहचाना योग, पूरे विश्व में भारत की गौरव वृद्धि का मार्ग हेतु बना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, और निश्चित है वो हम कई बार कहते हैं कि सूर्य भले ही बादलों ने ढक लिया हो, लेकिन एक लंबे समय तक सूर्य को बादल ढके रख पाए ये नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं तो तेज हवाएं चलेंगे, बादल छटेंगे, कटेंगे, हटेंगे और सूर्य फिर सामने आएगा। तो भारतीय परंपराओं की दिव्यता एक सूर्य के प्रकाश के सामने बहुत देर तक वो लुप्त रह पाती है। एक समय आया कुछ मुगल काल, कुछ अपना ईसाई काल, प्रतंत्रता के दिन, और उसके बाद स्वतंत्रता मिली, लेकिन परंपराओं का सम्मान जितना स्वतंत्रता के साथ होना चाहिए था, जो परंपराओं को उभारा जाना चाहिए था कि जब ये परंपराएं अपने देश का गौरव है तो क्यों नहीं ये जन जन में प्रेरणा बने, वो भी नहीं हो पाया। भगवान कृपा करें कि जैसे योग पूरे विश्व में स्वीकारा गया भारत की दिव्यता, ऐसे ही भारत की हर परंपरा। और हमें विश्वास है कि केवल वाणी के शब्द नहीं, हमारे अंतर्मन का विश्वास है कि बहुत शीघ्र वो दिन आएगा जब भारत की ये परंपराएं फिर से पूरा विश्व मानेगा और भारत एक बार फिर से विश्वगुरु। हमारे पास है वो क्षमता, ऐसा नहीं कि केवल कोरी बातें, हमारे पास वो क्षमता है अवतारों की, ऋषियों की, ग्रंथों की, त्योहारों की, विश्व में कहीं नहीं है क्षमता। ऐसे नहीं कहा गया कि भारत जगत गुरु, अपने अपनी परंपराओं के कारण कहा गया है, और उन परंपराओं में एक एक परंपरा व्यास पूर्णिमा, इस परंपरा के साथ दोनों गौरव जुड़े हैं, एक तो त्योहार के रूप में गौरव और एक ऋषि परंपरा का गौरव, दोनों गौरव इस व्यास पूर्णिमा के साथ जुड़े है। क्या ये पर्व और थोड़े शब्दों में जीवन जो हम सबको प्राप्त है मनुष्य, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको निश्चित लगेगा कि वास्तव में व्यास पूर्णिमा का तत्व तो क्या है। एक बात और भी है, हम त्योहार मना लेते हैं, हमें पटाखे बजा लिए और दीपमालाएं कर दी, होना ये चाहिए कि पूरे वातावरण में, होना ये चाहिए कि हर घर में उस दिन जो भी त्योहार हो, घर घर में उस दिन त्योहार का रहस्य क्या है, परिवार आपस में बैठकर उसकी चर्चा अवश्य करेगी। हो सकता है ऐसा आगे से हो सकता है क्या, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ऐसा, इससे जरूर लाभ होंगे। बच्चों का अगर भी परंपराएं नहीं तो बच्चे समझ ही नहीं पा रहे, बच्चों पर 25 दिसंबर पर अधिक हावी होने लगी है या नहीं। ओवरऑल पिक्चर आप देखे देशी समाज में 25 दिसंबर हावी हो रही है नहीं देशी बच्चों की मानसिकता पर, समझ गए होंगे क्या हो रही है। आवश्यक है कोई त्योहार आए, एक और समस्या है हमारे से कोई पूछ भी ले कि तुम्हारा ये त्योहार क्यों है, हमने कोई कोशिश ही नहीं की जानने की, चुप हो जाए। हमें अपने मुख्य पर्वों के तत्व का और रहस्य का ज्ञान होना चाहिए। श्री कृष्ण कृपा संजीवनी मासिक पत्रिका में इसीलिए हर महीने के त्योहार जो होते हैं
उन त्योहारों का रहस्य क्या है उस पर जरूर चर्चा होती है, और इसीलिए होती है कि एक बार पढ़ो, समझो, अंदर जिज्ञासा जगाओ कि हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी परंपराएं क्या है। कई बच्चे पूछे उनको बताया जा सके, कोई और पूछे उसे बताया जा सके, बता पाए कि क्या परंपराएं। व्यास बोले तो जीवन में दो यात्राएं साथ चलती, एक यात्रा है शरीर की यात्रा जो दिख रही है, लेकिन एक यात्रा और है जीवन की, वो यात्रा है अंदर के जीव की यात्रा। एक साइंटिफिक फैक्ट कहें या यूनिवर्सल फैक्ट कहें, और एक बात और स्पष्ट करते हैं कि हमारे सनातन हिंदू धर्म की, हमारी भारतीय संस्कृति की हर विधा के पीछे विज्ञान, ऋषियों का गहरा अनुभव है। हाँ, दावा नहीं है कि आप सारी की सारी समझ पाओगे या हम अपनी सारी परंपराएं समझा भी पाएंगे, ये भी कोई दावा नहीं है कि हम ये कहें कि हमें अपनी सारी परंपराओं का ज्ञान है और हम समझा पाएंगे, गहरा समुद्र है, दावा हो भी नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये सत्य है कि हमारी हर परंपरा के पीछे पूरा विज्ञान है। विज्ञान ये जो चीज जहां से बनती है वो उसी में मिलकर के उसकी शांति और उसकी मुक्ति हुई। शरीर की यात्रा लगातार चल रही है, गीता ने कहा तेनो अस्मि यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़वस्था, वृद्धावस्था और धीरे धीरे मरणोन्मुख अवस्था और फिर जय श्री कृष्ण की अवस्था। शरीर की यात्रा लगातार चल रही है, किसी के रोके हुए ही नहीं, किसी ने कितना प्रयास किया ये यात्रा रुकती नहीं, कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाएगा कि जवानी बुढ़ापे में ना बदले उसे हम रोक लें, नहीं होता, नहीं हो सकता। ये यात्रा अनादिकाल से वैसे ही चल रही है, इसमें एक बात और है कि हमें कोई प्रयास नहीं करना इस यात्रा के लिए, वो अपने आप चल जाए। शरीर की यात्रा का अंतिम पड़ाव है शमशान। कौन सा पड़ाव है हम बोल डरने क्या बात है, शरीर की यात्रा का अंतिम पड़ाव है, और लॉजिक उसके पीछे क्या है, शरीर पांच तत्वों से बना है, इसे पांच तत्वों के साथ ही जीवित है और पांच तत्वों में ही इसे मिलना है। गीता ने कहा भूमिरा पोल लो वायु खम, पांच तत्व। रामचरितमानस ने कहा चिदिजल पावा बदन समीरा पंचर चिदिया अदम शरीरा। गुरु ग्रंथ साहब ने कहा पांच तत्व का तन रचियो जानियो चतुर सुजान, जिन्हें के उपजो नान का लीन ताही में मान। जहां से उपजा मेरे तो शरीर एक यात्रा, एक यात्रा है जीव के अंदर। शरीर पांच तत्वों से बना, पांच तत्वों में मिलेगा, लेकिन जीव परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, जीव परमात्मा का अंश है, बिना परमात्मा से मिले इस जीव का मोक्ष नहीं। मोक्ष तो अलग बात, बिना परमात्मा के स्मरण के जीव को मानसिक शांति भी नहीं मिल सकती। भौतिकवाद ने पूरी अपनी जो जीने की पद्धति ढंग है उसे शरीर तक समेट के रख दिया। भौतिकवाद का मतलब शरीर से, शरीर तक सिर्फ ही विचारधारा, एक ड्रिंक भी मेरे की विचारधारा, समझ ही नहीं पाया भौतिकवाद के अंदर जीव की क्या स्थिति है। और इसीलिए एक बात बहुत स्पष्ट है पूरे विश्व के सामने कि जितना भौतिकवाद का प्रभाव बढ़ रहा है उतना जीव मानसिक शांति से दूर होता जा रहा है।
है सच्चाई या नहीं, तनाव बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अब एक बात बहुत जगह देशी देशी कहते हैं, एक खुली अपने भारतीय ऋषियों की कृपा को साथ लेकर कि भौतिक बात भले ही शरीर तक सिमटाने की स्थिति बन के रह गया, लेकिन हमने कहा कई बार भौतिकवादियों से कम इतना तो आप कर पाते कि शरीर को तो अच्छा रखने का कोई बना पाते आप सस्ता सही बात और बताओ। भौतिकवाद के प्रभाव से शरीरों की क्षमताएं बड़ी है या कम हुई, शारीरिक बल बड़े हैं या कमजोर हुए, कमजोर हुए तो क्या भौतिकवाद में किया शरीरों तक सिमट आया और शरीर भी बिगड़ते जा रहे हैं। और इसीलिए आवश्यकता है और हमारा ये भी विश्वास है आज नहीं तो कल पूरे विश्व को भारतीय अध्यात्म को मानना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं विश्व के पास, कोई विकल्प नहीं। कहां से शांति लाओगे, कहां से मनोबल बढ़ाओगे, धीरे धीरे टेंशन बढ़ रही है, डिप्रेशन रेट बढ़ रहा है, सुसाइडल रेट बढ़ रहा है, मैडनेस रेट बढ़ रहा है, विश्व में पागलपन के केसेस बढ़ रहे हैं, आत्महत्याओं के केसेस बढ़ रहे हैं, डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, ये सब भौतिकवाद की देन है। पर आप सोचे 20-30-40 वर्ष पहले भारत में कहीं डाइवोर्स सुने जाते थे क्या, ये विवाह का बंधन सात जन्मों के बंधन माने जाते थे अपनी परंपराओं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है भौतिकवाद का फलता। शरीर की यात्रा एक पक्ष, लेकिन जीव की यात्रा, जीव परमात्मा का अंश है, इसे परमात्मा से मिलना नहीं है शांति के, लेकिन कौन है जो जीव को परमात्मा की ओर प्रेरित करे, कौन है जो जीव को उसकी वास्तविकता से अवगत करवाए, वो कौन जो जीव को ये बताए कि जीवन यही नहीं है और यही तक नहीं है, कौन है जो जीवन को सही दिशा की प्रेरणा बने। हमारी भारतीय परंपराओं में उस तत्व का नाम है गुरु, फिर शरीर गुरु नहीं, वह चेतना वह तत्व जो हमें हमारी वास्तविकता की ओर प्रेरित करता रहे, जो याद दिलवाता रहे कि जिस परमात्मा ने जीवन और जीवन में सब कुछ दिया है उसे भूल के जीवन ना जियो। हमारे गुरुदेव कहा करते थे याद हक करना कराना है फकत साधु का काम, खल्क को रास्ता दिखाना है फकत साधु का काम। याद हक करना ना शब्दों की ओर आप ध्यान दें, गुरुदेव बार बार ये कहते थे कि याद हक पहले करना फिर करवाना, पहले प्रभु की याद अपने मन में स्थापित रखना और फिर दूसरों को प्रेरणा देना। और जब कोई पूछता है कि संत क्या है, एक ही वाक्य में जो सत्य से जुड़कर रहे और सत्य से जोड़ने की प्रेरणा दे, वो सत्य से जुड़े कि विश्वनाथ सत्य नहीं, सत्य से जुड़ना और सत्य से जुड़ने की प्रेरणा देना। सिमर 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 सुख पावे गुरबाणी, आप जपे औरत नाम जपावे, पहले आप जपे फिर औरत नाम जपे। तो प्रेरित अब बात आई व्यास पूर्णिमा, बस संक्षेप में बात कि व्यास पूर्णिमा और इसके साथ क्या संबंध, महर्षि व्यास ये व्यवस्था उन्होंने की वेद मंत्रों को जहां जहां ऋषियों ने समाधि में मंत्र अनुभव किए मां श्री कृष्ण द्वैपायन ऋषि ने उन सब मंत्रों को इकट्ठा किया। व्यास कहते हैं रेडियस, एक सर्कल लगाया
उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने की स्थिति व्यास कहलाती है। ऋग। तो वो मंत्र जो ऋषियों की समाधि में उतरे, उन मंत्रों को श्री कृष्ण द्वैपायन ऋषि ने इकट्ठा कर लिया। सब मंत्रों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चिंतन किया। चार वेदों में कुल मिला के 1,00,000 मंत्र और अकेले महाभारत में 1,00,000 श्लोक, और वो ग्रंथ किसकी देन है? मां जी ने दिया। लिखा जो हमारी जितनी पुराण परंपरा है, भागवत पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, ये सारी की सारी महर्षि वेद व्यास की है। महर्षि वेद व्यास के माध्यम से हमारे पता है। अब अपना ध्यान केवल सत्संग रखेंगे। तो सारी की सारी जो परंपराएं हैं, वेद महर्षि वेद व्यास की थे, महाभारत महर्षि वेद व्यास की थे, पुराण महर्षि वेद व्यास की थे। वैसे तो ढेरों लंबा समय निकल जाएगा, और भगवत गीता वह भी किसकी देन है? देखो, गीता उपदेश भगवान कृष्ण का है, ये सत्य है, लेकिन हमारे तक गीता उपदेश पहुंचा केवल इसीलिए क्योंकि महर्षि वेद व्यास। थोड़ा सच्चाई ये है कि गीता उपदेश महाभारत युद्ध की केवल एक घटना मात्र बन के रह गया होता, यदि व्यास ना होते। उपदेश होता तो क्षेत्र में हो जाता, वहीं का वहीं तक रह जाता। बस महर्षि वेद व्यास ने क्या काम किया? भगवान कृष्ण जो उपदेश दे रहे थे उसे लेखनीबद्ध करते थे, और लेखनीबद्ध करके महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व के 25वें से 42वें तक के जो 18 अध्याय हैं उनमें समाहित कर दिया, और वो उपदेश हमारे तक पहुंच पाया। भगवत गीता में एक श्लोक, वो है 18वें अध्याय का 75वां श्लोक, संजय उवाच का श्लोक है। संजय को दिव्य दृष्टि मिली महर्षि वेद व्यास। हस्तिनापुर में बैठे बैठे संजय पूरा गीता उपदेश सुन पाए, देख पाए, समझ पाए, और उस श्लोक में संजय ने कहा, व्यास प्रसादा श्रुत्वा, हमारे आग्रह है आप सबसे कि कुछ कुछ समय आप ऐसा अवश्य निकालें जो अपनी परंपराओं की जानकारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मेरा देश क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरी संस्कृति क्या है, हमारी परंपराएं क्या है, कुछ समय होना चाहिए उसके लिए या नहीं होना चाहिए? क्या केवल खा लो पी लो सो लो दिन निकल गया, बस महाराज करें क्या, टाइम ही नहीं। गीता पाठ करते हो, करें क्या, बस टाइम ही नहीं। जो काम नहीं करते होते उसके लिए पूछो कि ये काम क्यों करते हो, बस महाराज करें क्या, टाइम पास ही नहीं होता, टाइम पास। उन्होंने कईयों को कहा, हमारे पास कि कौन सा दिन महत्वपूर्ण बताएं, तो हमने उसी क्षण कहा कि जन्म हुआ शरीर का पर्व, लेकिन जिस दिन जीवन में गुरु का आगमन हुआ वो दिन जो था जीवन का स्वाभाविक। क्यों? क्योंकि जीवन को जीवन बनाने का काम जो है, जैसे हीरे को तराशने का काम जो हमें नहीं कर सकता है, पत्थर कहीं भी पड़ा होता है लेकिन उसे चढ़ने का काम कारीगर करता है, वो पत्थर ऐसे जीवन को जीवन बनाने का काम है, वो भूमिका है, वो भूमिका है।
आशीर्वाद ये भी है, हमें ये कहने में कोई गर्व का अनुभव होता है कि गुरु के आगमन से पहले हमें भगवत गीता का क्या क्या कहने नहीं पता, जो आया जो कुछ अध्यास गुरु कृपा से, और जो ये विस्तार है उन्हें लगी हो। तो हमारे गुरु उनके गुरु उनके गुरु से परंपरा कहां पहुंचे, वीर परंपरा जो है उस परंपरा के प्रति कृतज्ञता का दिवस है प्यास पूर्णिमा, पूरी विश्व परंपरा। और वैसे भी हम जानते हैं यज्ञ उपवीत के माध्यम से भी तीन ऋण हर जीव के ऊपर होते ही हैं, यज्ञ उपवीत के तीन सूत्र तीन ऋणों का स्मरण दिलवाते हुए पितृ ऋण देव ऋण और ऋषि होते ही हैं। ये व्यास पूर्णिमा उस ऋषि ऋण के प्रति भी जागरूकता की प्रेरणा है और उसके प्रति भी समर्पण की प्रेरणा है ये जा सकते हैं कि हम ये ध्यान बनाए रख सकते हैं कि हमारे ऊपर ऋषि परंपरा का ये दिन है। अनेक रूपों में ये दिन के महत्व को प्रेरणा है बाहर क्यों लिखने लगने, अनेक रूपों में ये दिन महत्वपूर्ण प्रेरणा है। और हमें तो सच बात यह है ड्यूटी भी भरनी पड़ती है, बड़ी कड़ी ड्यूटी है, पूरे एक सप्ताह से एक दिन एक जगह रखें पूर्णिमा के लिए तो मुश्किल काम होता है, पूरा एक सप्ताह एक मिनट पूरा एक सप्ताह का क्रम बना रहता है, कभी कहीं कभी कहीं। कल जिला श्री यमुनानगर में थे, परसों दिल्ली, उससे पहले गए अहमदाबाद। तो कल मुख्य जो पर्व कार्यक्रम है वो करनाल में ही प्रतिवर्ष होता है, तो ऋषि परंपरा की ड्यूटी है। ये कोई व्यक्ति पूजा नहीं है, गुरु पूजा व्यास पूजा शरीर की पूजा नहीं है, ये परंपरा की पूजा है। ये हम सबको ध्यान रखना है, न केवल आपको ध्यान रखना है, आपसे अधिक तो ये ध्यान हमें रखना पड़ता है आपकी। और सच्चाई देखो, हम जो मंच पे हैं जो सामने हैं बोली बात बिल्कुल खुली करने में उनके संकोच भी नहीं होता कि ज्यादा क्या ध्यान तो हमें रखना पड़ता है कि इतने लोगों की भीड़ देख के इतने लोगों की मालाएं देख के कहीं अंदर की वो चेतना कहीं अहम बाधित ना होने लगे। बहुत बड़ी जागृति की चुनौती रहती है और हर पल उसका स्मरण बनाए रखना पड़ता है कि भीड़ देख के लाइने देख के या सबकी मालाएं देख के सब और अधिक चेतना पड़ता है और अधिक जागना पड़ता है कि अंदर तो केवल मात्र एक ही भाव जगे कृष्ण कृपा आधार हमेशा पधारे, कृष्ण कृपा आधार हमेशा पधारे। Thank you.
देखो ये जो आप कर रहे हो ये मालाएं या मालाओं के साथ कुछ भी जो भी, ये तो अलग बात हो, आपकी भावना कहीं गौ सेवा में या कहीं जो भी है जाएगा। जो वस्त्र इत्यादि हैं वो शस्त्र पूर्णिमा पे जो शस्त्र संतों के भंडारे होते हैं, सब संतों के वहां काम आते हैं, सब संतों को जो भी है उनके संत सेवा में गौ सेवा में हो। लेकिन हमारी जो मांग कहो दक्षिणा कहो वो एक ही है, जो हमने आह्वान लिया हुआ है उसमें सहयोग। एक दो बातें बीच में कही, एक तो अपनी परंपराओं की जानकारी के लिए हम कुछ समय निकालते हैं। मेरा राष्ट्र मेरा गौरव, मेरा धर्म मेरा गौरव, मेरी संस्कृति मेरा गौरव और भगवत गीता मेरा गौरव है या नहीं, और उसी के लिए आह्वान योग्यता का चल रहा है कि घर घर गीता। बहुत छोटा सा सरकार कहते हैं, बहुत छोटा सा, केवल 10 से 12 मिनट एक दिन। हमारे विश्वास विश्वास कहें या गुरुदेव के द्वारा जो अंदर एक कूट कूट के भरा हुआ भाव कहें कि गीता सक्षम प्रभु की सक्षम वाणी, हर समस्या का समाधान, हर समस्या। और इसीलिए हम सबको बस इस आह्वान में सहयोगी बनना। तो कितना बने, एक तो पहले अपना इतना सा जो गीता प्रिय योजना में इतना सा पाठ का आह्वान किया गया है, सबसे पहले तो हम अपना पक्का करेंगे, हम गीता पाठ करेंगे ही करेंगे। गीता प्रेरणा अभी एक बात आपको छोटी सी बताएं, 4-5 दिन पहले भारतीय विदेश मंत्री सुषमा जी के साथ किसी आवश्यक कुरुक्षेत्र गीता ज्ञान संस्थान के गीता म्यूजियम को लेकर 1.5 घंटा में वार्ता थी, क्योंकि उस म्यूजियम में हमें पूरे विश्व की हर भाषा की गीता कहाँ कहाँ है वो हमें कुरुक्षेत्र में उसमें स्थान देना है, और जो दुर्लभ हमारी गीता कहीं कहीं रखी हुई है। आपको आश्चर्य होगा कि मदनलाल टिंडा जी के हाथ में फांसी के समय जो गीता जी थी वो इंग्लैंड में है, लाहौर यूनिवर्सिटी में पहले भारत पाकिस्तानी थे दुर्लभ प्रतियां गीता की पढ़ी, महाराजा रणजीत सिंह लाइब्रेरी में लाहौर में वहां महाराजा रणजीत सिंह जी ने कोहिनूर के साथ गीता रखते थे दो, और वो मानते थे मेरे पास दो कोहिनूर हैं, एक वो। तो ऐसे ढेरों में थे, तो मुख्यतः इसके लिए गए कि हमें विदेश मंत्रालय का सहयोग चाहिए इसमें कि वो हम अपनी गीता जी जहां जहां भी हैं वो हम अगवा के एक जगह कुरुक्षेत्र में उसका एक गीता म्यूजियम बना पाए। उसकी एक खुली बातचीत हुई और उन्होंने बहुत खुले मन से कहा कि मुझे तो केवल देश के नाम बता दो कि किन किन देशों में है, बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, और मैं जिस दिन नाम आ जाएंगे उसी दिन से मेरा मंत्रालय उस पर काम करना शुरू कर देगा कि गीता जी कैसे लाई जाए वहां से, या नहीं तो स्कैन करके, नहीं तो वीडियोग्राफी, जो जो भी संभव होगा उसमें हम पूरा करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने की जिसकी ओर हम सब आप सबका ध्यान, कि पिछले लाल किला मैदान में जो भी गए थे भगवत गीता क्या क्या उनका कार्यक्रम था, उसमें सुषमा जी ने एक बात कही थी कि अनुकूलता हो तो श्री कृष्णता और प्रतिकूलता हो तो श्री कृष्ण की इच्छा, ये सूत्र जीवन में रहते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरी किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन था और भगवत गीता का ये प्रभाव था कि डॉक्टर मुझे नहीं समझा रहे थे, जब तक मैं अनकॉन्शियस नहीं हो गई तब तक मैं डॉक्टरों को समझा रही थी कि तुम्हें नर्वस नहीं होना, तुम्हें चिंता नहीं करनी, तो बस केवल अपना काम करो गीता के अनुसार आगे प्रभु के छोड़। तो कहते डॉक्टर भी नर्वस हो रहे तो मैं होता, तो डॉक्टर समझाते हैं कि ऐसा नहीं, तो कहते गीता का प्रभाव था
कि मुझे ऐसा लगा कि ऑपरेशन के समय श्री कृष्ण मेरे साथ नहीं है, श्री कृष्ण ने मुझे अपनी गोद में ले लिया। और कोई कौन आपकी ये बात कही, लगभग 1.5 वर्ष पूर्व उन्हें ये गीता प्रेरणा भेंट की गई। तो उन्होंने बताया ये इसलिए कि अगर मन बच जाए तो कितनी भी व्यस्तता हो, जो हम कहते हैं व्यस्तता में टाइम नहीं मिलता, तो उन्होंने कहा कि मैं जब से आप गीता प्रेरणा देके गए बहुत सी सेंट्री पहले पढ़ी थी, लेकिन जब से पढ़ना प्रारंभ किया तब से लेकर आज तक 4-5 लोग जो हमारे साथ थे और सबके सामने ही उन्होंने कहा कि तब से लेकर आज तक मैं सोती तब हूं जब 10 तेजी इसके पढ़ सकती हूँ। तो दिन में पढ़ता हूं तो नहीं समय मिला, तो रात को मुझे सोना तब है जब गीता प्रेरणा के दर्शन, गीता पाठ तो अलग है लेकिन गीता प्रेरणा के 10 तेज पढ़ती हूँ तब मैं सोती हूँ। कितनी भी देर, अब ये बताओ, अच्छा भारत की विदेश मंत्री से ज्यादा व्यस्त तो हम नहीं है, उन्हें कहीं जाना कहीं आना और कहीं ज्यादा व्यस्त तो नहीं है। हम मन बना लेंगे गीता पाठ का तो कोई कठिनाई नहीं है और इससे बहुत कुछ मिलेगा। जो भी लाइन आपने मन बनाई कि गीता पाठ में अद्भुत शक्ति, ये केवल वाणी के शब्द नहीं है, इसे हम सब आजमा के देखें और एक बार यही आत्मा के देख लें कि चलो हम भी देख लेंगे क्या शक्ति है गीता की। निश्चित आपको बहुत कुछ मिलेगा। एक तो आज से ये पक्का करें, ये पहले दर्शन तो ये है कि आज से हम हमारे में से कोई भी ऐसा ना हो जो गीता पाठ ना करे। और दूसरी बात कि गीता पाठ को हम कितनों तक पहुंचा सकते हैं। हमें लगता है देश को एक सूत्र में बांधे रखने का एक सूत्र है भगवद गीता माला के मंत्रों की तरह। दूसरी बात दिल्ली में थे परसों व्यास पूजा, एक हमारे सज्जन उनकी यहाँ कुंडली बॉर्डर के पास एक फैक्ट्री है, तो उन्होंने कहा कि जो गीता प्रिय पाठ आपने बताया, मैंने ये निश्चित किया कि फैक्ट्री जो खुलेगी काम प्रारंभ करने से पहले सभी जो लेबर है, जो वर्कर है हमारे, मैनेजर और सब, पहले 5 मिनट का ये गीता पाठ 10 श्लोक और फिर रेडियो ईश्वर प्रार्थना मिलकर करेंगे तो काम शुरू होगा। और उन्होंने बताया बात बातों की आप सुने समझे और तो कौन सबसे प्रेरणा मिलेगी, तो उन्होंने बताया कि 5 हमारे यहाँ मुस्लिम वर्कर है, शुरू में तो उन्होंने मना किया कि हम नहीं, तो हमने अर्थ भी नहीं किया, नहीं करते तो जो करते हैं करें, लेकिन कहते धीरे धीरे ऐसा भाव और भाव का प्रभाव बना कि अब वो भी सबके साथ गीता जी लेके खड़े होंगे पाठ करते, तो पूरी वीडियो फिल्म दिखाई देंगे। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये निकल के आई सामने, कहते अब ऐसा माहौल बन गया है फैक्ट्री का, अब हमारे हमें अपने वर्कर्स के टाइम डिसिप्लिन के लिए कुछ और नहीं करना पड़ रहा, अब तो वो इसलिए 10 बजे भाग के वहां पहुंचे कि हमारा गीता पाठ ना छूट जाएगा, कि लेट आएंगे तो गीता पाठ पहले निकल जाएगा। तो गीता प्रिय अगर भगवत स्तुति का पाठ है तो कहते हैं हमारी फैक्ट्री में तो अनुशासन भी गीता पाठ से बन गया, टाइम पे पहुंचने का सद्भावना भी सबके बन गई और अब काम भी सब मन लगा के रखते हैं। तो गीता पाठ में अद्भुत काम किसी भी रूप में करें, अपने दुकान में है तो दुकान में जो भी हमारे वर्कर है उनके साथ बैठ के 5 मिनट पहले लगा दें, फैक्ट्री है तो वहां निश्चित करें, आपके स्कूल में है आपके आपका कोई कॉलेज है वहां जा वहां करें, तो किसी भी तरह से करें, हम अपनी परंपराओं से जुड़े। देखो हमें कोई ज्ञानानंद नाम से कोई ना नया मधव बनाना है ना नया कोई मत खड़ा करना है, हमें तो केवल गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से संसार का विश्वास है कि आज के इस उद्बोधन से व्यास पूर्णिमा के पर्व के रूप में ये संकल्प आप करके ही जाएंगे कि गीता पढ़ें, पढ़ाएं गीता, घर घर तक पहुंचाएं गीता, ज
जन जन तक पहुंचाएं गीता, इस बार की गीता जयंती उत्सव तक कुछ इसी प्रकार का हमें लक्ष्य लेके चलना है कि हरियाणा में जब इस पर्व का उत्सव हो तो पूरे प्रांत के हर क्षेत्र में गीता जी का एक व्यापक प्रभाव दिखाई दे। तो अगर आप सहमत हैं तो एक बार हाथ खड़े करके, जो ऐसे ना करना कैमरा में सारे लिखा होता है, वहां लिखा हुआ है कि आप सब सीसीटीवी की नजर में हैं। गीता का पढ़ना पढ़ाना हमें अब अच्छा लगता है। गीता का पढ़ना पढ़ाना हमें अब अच्छा लगता है। एक बार बस बोलो तो और पक्का हो जाएगा और हमें भी अगर भी संतुष्टि मिल जाएगी कि वास्तव में व्यास पूजा का सही रूप कुछ इस बार सामने आया है। गीता का पढ़ना पढ़ाना हमें अब अच्छा जहां में रहेगा शासन पत्र वहां
सभी ध्यान रखते Thank you.
Thank you.
Thank you.
I'm gonna make you mine.
सभी से जाकर सभी ध्यान रखें अपना पर्स मोबाइल इसलिए सभी से ध्यान रखें। Yeah.